डियर फ्रेंड्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ लेसन नंबर 3, टुडे वी विल डू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। सो ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर 30। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन ब्रीफ अबाउट मूवमेंट्स इन रेप्टाइल्स। जो रेप्टाइल्स का मूवमेंट है उसके बारे में आपको लिखना है। राइट इन ब्रीफ अबाउट मूवमेंट्स इन रेप्टाइल्स। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? इसका आंसर जो है ये मूवमेंट्स के अंदर दिया हुआ पेज नंबर 28 के अंदर। रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स सच एज लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल्स यूज देयर फोर शॉर्ट लिम्स टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड। ए स्नेक डज नॉट हैव लिम्स, इट यूजेज इट्स बॉडी मसल्स एंड स्कल्स टू मूव। टर्टल्स हैव फीट शेप्ड लाइक पैडल्स फॉर मूवमेंट। तो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम हेयर टू हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू फिश ब्रीथ अंडर वाटर। पानी में मछली जो है वो सांस कैसे लेती है, क्या हेल्प करता है उसको सांस लेने में, इन सब चीज़ों के बारे में आप अपना जो हमारा वीडियो था इस लेसन का उसको आप दोबारा से रेफर करेंगे तो कंप्लीट एक्सप्लेन उसमें अंदर किया हुआ है। हाउएवर मैं आपको आज एक्सप्लेन के आंसर्स के बारे में कर रहा हूँ, फिर एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। आप यहाँ से देखेंगे आंसर नंबर 2 के अंदर पेज नंबर 25, एनिमल्स विद बैकबोन के अंदर जो दिया हुआ है फिश के बारे में। अब फिश के बारे में यहाँ पे दिया तो दे, यानी थर्ड लाइन में दे हैव गेल्स, तो दे जो है इसको दे की जगह पे आपने फिश लिख देना है। अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, फिश हैव गेल्स टू ब्रीथ अंडर वाटर। फिश हैव गेल्स टू ब्रीथ अंडर वाटर। फर्स्ट ऑफ, ए फिश टेक्स इन वाटर थ्रू द माउथ। थ्रू द माउथ द ऑक्सीजन इन वाटर इज अब्जॉर्ब इन टू द ब्लड बाय द ब्लड वेसल्स इन द गिल्स। फुल स्टॉप। द वाटर देन पासिस आउट थ्रू द गिल्स। शार्क, सेमन एंड गोल्ड फिश आर सम फिश, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स दे दिए। शार्क, सेलमन एंड गोल्ड फिश आर सम फिश। तो फ्रॉम हेयर दे की जगह फिश हो जाएगा। फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ अंडर वाटर। ए फिश टेक्स इन वाटर थ्रू द माउथ। द ऑक्सीजन इन वाटर इज अब्सॉर्ब इन टू द ब्लड बाय द ब्लड वेसल्स इन द गिल्स। द वाटर देन पासिस आउट थ्रू द गिल्स। और ये इसके एग्जाम्पल शार्क, सेलमन एंड गोल्ड फिश आर सम फिश। तो फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज आंसर नंबर 2। क्लियर है? ये आंसर आपका सेकेंड का हो गया। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो इसमें आंसर थोड़े बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको बताया रेप्टाइल्स का जो मूवमेंट है वो कैसे होता है उसका आंसर लिखा। दूसरा, फिश पानी के अंदर सांस कैसे लेते हैं उसके बारे में। और थर्ड आपको क्वेश्चन देना दिया हुआ है, राइट इन ब्रीफ अबाउट एनिमल ग्रुप बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स। जैसे उनकी खाने की हैबिट्स होती है उसके हिसाब से उन एनिमल्स को ग्रुप्ड किया हुआ बेटा, बांटा हुआ है। अब आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से ग्रुप में एनिमल्स को बांटा हुआ है। तो जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया है उस वीडियो के अंदर, आपको पता है कि हर्बीवोरस, कैर्निवोरस जो है, ओमनीवोरस, स्केवेंजर्स, पैरासाइट्स, इन ग्रुप्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। मोस्टली ये 3 ग्रुप्स में ही बटे थे जिसको हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। आप इनको यहाँ से लिख सकते हैं इसका आंसर, कोई लोग अगर आंसर लिखेंगे तो आप ग्रुप्स फ्रॉम हेयर यू कैन स्टार्ट द आंसर। ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन द ईटिंग हैबिट्स। ग्रुप्स जी इज विल बी कैपिटल एट हेयर जी ग्रुप जी आर ओ यू पी। ग्रुप ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स आर बस ठीक है। ग्रुप ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स आर, देन यू कैन राइट द नेम लाइक हर्बीवोरस। एक में डाल देंगे वापस, अगर आपको लिख के दिखाऊं तो आप लिखेंगे यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स
बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स. क्लियर बेटा, ईटिंग हैबिट्स आर. अब यहां पे इस प्रकार से आप नंबर वन डालेंगे, उसमें आप लिखेंगे हेरबीवोरस, हेरबीवोरस एनिमल्स. और फिर इसके बारे में थोड़ा सा आपने लिखना है हेरबीवोरस एनिमल्स के कौन से होते हैं. ठीक है, तो ये होते हैं हेरबीवोरस, दोबारा से आप लिख दो उसको, हेरबीवोरस एनिमल्स ईट्स प्लांट या ईट प्लांट्स, क्योंकि एनिमल्स हो गए ना, एनिमल्स ईट प्लांट्स. क्लियर. सेकंड आप लिख दोगे कार्निवरस, एनिमल्स. ठीक है, इसमें फिर आप इसमें भी लिखेंगे एनिमल्स ईट फ्लैश. ये कौन से हैं, ये वो एनिमल्स हैं जो फ्लैश खाते हैं. ये कौन से हैं, हर्बीवोरस जो प्लांट्स खाते हैं. कार्निवरस को कैसे किया, तो आप लिख दोगे वापस से कार्निवोरस, कार्निवोरस एनिमल्स ईट फ्लैश. ठीक है बेटा, इसके अंदर आप नॉर्मली इसमें आप इसमें लिख दोगे थोड़ी देर आपका ईट फ्लैश, यानी ये इतना ही एक लाइन में प्लांट्स खाते हैं और ये फ्लैश खाते हैं. वैसे डिटेल तो बहुत बड़ी है, कितना भी आप लिखोगे तो इसके बारे में ग्रुपिंग का सबसे पता लग जाएगा. ठीक है, थर्ड वन आप इसको लिख दोगे ओमनीवरस, ओमनीवरस ओमनीवरस एनिमल्स के अंदर एनिमल्स ईट. ठीक है, एनिमल्स ईट प्लांट्स एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल एज फ्लैश ऑफ एनिमल्स. ठीक है, एज वेल एज फ्लैश ऑफ एनिमल्स. क्लियर है बेटा, तो यानी ओमनिवर्स कौन से हो गए, जो प्लांट्स को भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं अदर एनिमल्स के. कार्निवर्स वो होते हैं जो फ्लैश खाते हैं. ठीक है, एनिमल्स का ही फ्लैश खाता है. और हेरबीवोरस वो है जो कि सिर्फ प्लांट्स है, नहीं प्लांट्स को या प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होते हैं. ये तीन है मेनली ग्रुप्स जो है इसके अंदर. आपकी बुक में जो है इसमें एक ग्रुप और दिया हुआ है, तो जिसके अंदर स्कैवेंजर का नाम दिया हुआ है. ठीक है, स्कैवेंजर जो है वो होते हैं जो कि मरे हुए जानवरों का फ्लैश खाते हैं बेटा, डेड एनिमल्स के फ्लैश को यूज करते हैं. ठीक है ना, उसको आप इसको भी लिखना चाहो तो आप लिख दोगे एनिमल्स दैट ईट एनिमल्स. वैसे ये भी कार्निवरस में आ जाते हैं क्योंकि ये भी फ्लैश ही खाते हैं, लेकिन इसको आप अगर इसके वजह से अलग लिखोगे तो एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. ठीक है, फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. और फिर इसमें एक फिफ्थ नंबर पर आता है आपका पैरासाइट्स के बारे में, पैरासाइट्स. तो पैरासाइट्स जो है ये एनिमल्स वो होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे एनिमल्स दैट लिव ऑन, दैट लिव ऑन ऑन और इनसाइड. ठीक है, या तो किसी चीज के ऊपर या उसके अंदर, किसके जो अदर अदर्स ऑर्गेनिज्म के होते हैं, जो दूसरे के ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं ऊपर बैठ करके उसके अंदर से ही उसका अपना खाना लेते हैं उससे, इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो ये आपके पैरासाइट्स हो गए. ये चार प्रकार, सॉरी फाइव टाइप्स के इसमें ग्रुप्स में, इसमें वैसे मोस्टली तीन थे, वन टू थ्री, लेकिन फाइव टाइप्स के इसको ग्रुप में कर दिया एनिमल्स को, और इनको एक प्रकार से आपने एक्सप्लेन कर दिया. आप इसको देख रहे हैं, ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया हमारा, आंसर नंबर थर्ड का हो गया. तो आपने इसको अपने
कॉपी में करना, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।